उंगली बचा, उंगली 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 उंगली, आराम से। सी का ही जमाना चल रहा है, सब सी पढ़े हुए। मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। हेलो नमस्ते, वालेकुम वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके। कहाँ से आवाज आ रही तेरी? अंदर से, एमएसके याली एमएसके, थैंक यू, वेलकम। जाइए, कहानी में हम आ चुके हैं आगे, बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, लगभग एक महीना आगे आ चुके हैं। एक महीने बाद की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे सामने है एमएसके का कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, और इस आगे वाली कहानी की झलक आप लोगों ने पिछले कुछ व्लॉग में देखा होगा। तो हम कहानी में इतने आगे कैसे आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा शफीक? इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा, पीछे चलते हैं, आराम से लेके, आराम से, आराम से, आराम से। लाखों करोड़ों का सामान आ चुका है हमारे पास। उंगली बचा, उंगली 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 उंगली, आराम से। और राइटिंग का 50 रुपया काट, 50 रुपए का काट लेना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पीसी बिल्ड करने के लिए जो जो सामान हमें चाहिए था, सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। सामान ज्यादा है, टेबल थोड़ा छोटा है, टेबल के लिए हम ऑर्डर देंगे, पहले देख लेंगे कि कितना जगह ले रहा है, हम उस हिसाब से अरेंज करेंगे, बट सारा सामान आ चुका है। अब हमें पीसी बिल्ड करना है, और पीसी बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट अनंग भाई आ जाओ। तो ये है अनंग भाई, लास्ट टाइम आए थे, कुछ सामान था नहीं तो वापस चले गए। पीसी बिल्ड होगा और इस बार तो सारा सामान, yes, 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 अब तो बिल्ड हो ही जाएगा, डेफिनेटली आज बिल्ड हो जाएगा। फाइनली इतने टाइम बाद अनंग भाई पीसी बिल्ड करेंगे, हम देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंपोनेंट्स मैं अपने पीसी में लगा रहा हूँ वो क्यों लगा रहा हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्यों लिया गया, इसमें ना काफी सारी कनेक्टिविटी है, और भी डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें M2 स्लॉट्स भी है हमारे लिए। ये माँ बोर्ड, जैसे ही जीवन में माँ की जरूरत होती है वैसे पीसी के लिए भी माँ की जरूरत होती है, इसलिए मदरबोर्ड है। कनेक्टिविटी आप देखो यहाँ पर कितने यूएसबी कनेक्शन है, और एक टाइप सी कनेक्शन भी है, और ये वाला मदरबोर्ड फ्रंट टाइप सी पोर्ट को भी सपोर्ट करता है। ज्यादातर अभी सबको सी देना चाहिए क्योंकि सब जगह सी का ही जमाना चल सब रहा है, सी पड़े हुए। मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। चलो अनंग भाई, ये आपके हवाले, माँ का दिल प्रोसेसर। प्रोसेसर है हमारा 11th जनरेशन का i7 इंटेल कोर, और इसमें 8 कोर 16 थ्रेड है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है गेमिंग के लिए एंड स्ट्रीमिंग के लिए। ये बहुत डेलिकेट होता है, तो इसको आराम से हम अनबॉक्स करेंगे, आराम से पकड़ना ही चाहिए। तो ये दिल है तो आराम से ही कर, वहाँ पे वहाँ करो, वहाँ एक्सपीरियंस है दिल को आराम से पकड़ने का। शफीक का दिल बहुत बार टूटा है ना, टूटे हुए दिल से पूछो, यहाँ 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 करो। लो भाई, जीगा का टुकड़ा, ठंडा रखने के लिए हमें लिक्विड कूलर चाहिए होता है, जो हमारे पास लिक्विड कूलर है, ये LCD डिस्प्ले वाला है, इसमें RGB भी है, और टेक्निकल अनंग भाई कुछ टेक्निकल बता। भाई ये अपने प्रोसेसर को एकदम ठंडा रखने वाला है, इसका कूलिंग प्रोसेस एकदम बेस्ट है, बेस्ट चीज अपने पास है। इसको देख के मुझे आयरन मैन याद आ गया। इसमें से जो चाहिए रहेगा आनंद भाई ले लेंगे, हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अनबॉक्स करते हैं, यूट्यूब वाला काम ही अनबॉक्स करना है। तो ये है हमारा ग्राफिक कार्ड्स, जिसमें 1440p पे हम इजीली गेमिंग कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, 4K फाइल्स जो रेंडर करना होता है, कभी कभी हमारा PC दम तोड़ देता, तो ये उस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। MSI ग्राफिक कार्ड्स, स्टाइलिश है ये। अभी बारी है कैबिनेट की, जो सबसे भारी है, आराम से इसको रख, आराम से पलटी मार। क्या बात है, हमारे कैबिनेट में एक सी पोर्ट है, 4 यूएसबी पोर्ट है। ये जो ब्लू वाला होता है ये ज्यादा फास्ट होता है ना, त्रिकोण। तो ऑलमोस्ट जो मेन कंपोनेंट था पीसी बिल्ड करने के लिए उसको हमने अनबॉक्स कर दिया, छोटी छोटी चीजें बची है, वो साथ साथ चलती रहेगी। इसके बाद अनंग भाई के हवाले वतन साथियों, अब ये संभाल लेंगे। पीसी ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा काम बचा है, इसको थोड़ा ढकना अपने वाला काम है। ऐसे देखने में काफी कूल लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पर रुका कर बताया जाए। सब जगह रेड, ग्रीन, ब्लू RGB लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। ये जो RGB लाइट का फंडा है वो गेमिंग में कहां से आया है और क्यों कूल लगता है पता नहीं, बट मेरे को कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये कलरफुल देख के मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पर हमारा CPU, माउस तक हमारा RGB है, कीबोर्ड भी RGB लाइट से चमक रहा है, फुल एकदम रंगीला हो चुका है। और अगर तुम कैमरा मेरे हाथ में दोगे दोस्त, तो अंदर भी अगर देखोगे, अंदर का सिस्टम भी बहुत हार्ड हो चुका है, फुल रंगीन।
तो कुछ इस तरह से हमारा ये पीसी बिल्ड हुआ था। और कुछ खास बात है MSI के इस मॉनिटर में और कैबिनेट में, ये जो मॉनिटर है ये है 27 इंच का, इसमें है IPS पैनल। और IPS पैनल की वजह से क्या होता है ना कि जो कलर डिस्टॉर्शन होता है ना वो नहीं होता है, और इसको अगर हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे ना तो हमें मिनिमम कलर शिफ्ट या फिर नहीं के बराबर दिखाई देगा। और इस मॉनिटर में एक खास बात है, वो ये कि ये एडजस्टेबल है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, तो जैसा हम अपने मॉनिटर को देखना चाहे तो हम उसको उस तरह से कर सकते हैं, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे नहीं, हम उसको बोलेंगे तू ऐसा हो जाए। और ये जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट का नाम है क्रिएटर 400M। तो ये क्रिएटर शब्द इसमें क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये क्रिएटर के लिए बनाया गया है। इसमें ना तीन साइड साउंड प्रूफ कॉटन है, तो यहां देखेंगे तो ये जो अब दिख रहा है ये है साउंड प्रूफ कॉटन, ये ऐसे आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो आवाज है वो कम हो जाएगा। और एक इस तरफ है वो आपको दिखेगा यहां से लाइट जला, तो एक अंदर साइड से है जो ठीक से दिख नहीं रहा है लेकिन है। तभी कैबिनेट में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है, लाइक मदरबोर्ड होता है, इतने सारे फैंस होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है ना जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपना वीडियो या फिर पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, गेमिंग खेल रहे होते हैं, तो ना वो कैबिनेट का आवाज आता है, इसीलिए मैंने इस कैबिनेट को चुना। अभी एक जो सवाल है, लोगों ने अपने आप गेस कर लिया और मान भी लिया कि मैंने जो पीसी लिया है ये लिया है मैंने गेम खेलने के लिए, मुझे गेम खेलना नहीं पसंद है और मैं गेम पहले बचपन में खेला करता था, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है गेम खेलने में। तो ये जो पीसी बिल्ड किया गया है इसका जो मोटिवेशन है, वो पहला मोटिवेशन जो है वो ये है कि मुझे ना लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, मुझे मतलब गेम खेलते खेलते लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, लेकिन हाँ मतलब मैं लाइव आके पॉडकास्ट कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं, वो करने के लिए मैंने ये लिया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पूरे YouTube जर्नी में, जब भी मुझे लाइव आना होता है तो मैं अपने मोबाइल से ही लाइव आता हूं, और मोबाइल से लाइव उतना मजा नहीं आता है। और मैं चाहता हूं कि जैसे Instagram पे लाइव होता है ना कि लाइव करते करते मैं अपने सब्सक्राइबर से बात कर पाता हूं, तो मुझे भी चाहिए कि ये जब लाइव स्ट्रीमिंग हो तो मैं अपने सब्सक्राइबर को लाइव लेके लाइव वीडियो कॉल पे बात कर सके, ऐसा समथिंग कुछ सोच रहा हूं मैं करने का। तो मैं ना उस तरह का लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूं और मतलब लाइव पॉडकास्ट शूट करना है, तो ये सब चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी। और कभी कभार गेम में भी खेल लेंगे यार, अगर कभी मन किया तो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गेम नहीं खेलूंगा, लेकिन कभी कभार अगर मान लो कुछ ऐसा भारी एडिटिंग करना है तो भी इसके लिए यूज होगा। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए मैंने ये अपना पीसी बिल्ड किया है। और मुझे लगता है कि एक क्रिएटर के पास एक ऐसा पीसी होना चाहिए, कभी कभार अगर उसको कुछ भारी भरकम काम करना हो, लोगों से इंटरेक्शन करना हो, तो मतलब एक सपोर्ट होता है, मतलब नहीं भी होगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं अपने कंटेंट को लेके प्लान कर रहा हूं तो एक अपने को मांगता है। 2000 करोड़ साल बाद फाइनली मेरा पीसी बिल्ट हो गया है। 4000 करोड़ सालों से मेरे घर का काम चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले पैन कार्ड भी बन जाएगा। लोगों ने कमेंट किया पासपोर्ट जल्दी बन जाता है। बढ़िया है यार, मतलब अभी आई एम रियली एक्साइटेड कि आगे और क्या क्या करूंगा मैं, लेकिन मेरे से कुछ होप मत रखना, मतलब ये चीज रेगुलर मेरे को पता है मैं नहीं करने वाला हूँ, जब रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल सकता था ये क्या होगा, लेकिन हाँ मतलब कुछ नया करते रहना मेरे को अच्छा लगता है, तो यस बाकी सब बढ़िया। फिर कल हम जाने वाले हैं एक राइड पे, तेरे को नहीं लग जाएंगे। चल ठीक है, देखते हैं, समझते हैं जो भी है, लेकिन कल बहुत दिनों बाद राइड होगा तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुंबई का मौसम तो मतलब ऐसा हो रखा है कि यहाँ पर हुडी के ऊपर और एक हुडी की जरूरत पड़ रही है, मतलब मनाली पड़ रही है यहाँ पे मुंबई में। 10 सालों में पहली बार ऐसी ठंडी आई, तो हम सब इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बाकी सब बढ़िया। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लोग बड़े कर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव अ ड्रीम। रोबो की अच्छी बात ही ना, जो वाली रोबो पिक्चर में वैसे वाली चिट्टी 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 वाली तू कट जाएगा, तू ज्यादा बोलेगा तो कट जाएगा।